सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है यार। आई होप सब लोग बढ़िया होगी। तो मैं लेकर आ चुका हूँ सी एस रैंक बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन 2023 यार, जिससे आप लोग यूज़ करके भी हर मैच बता रहा हूँ हर मैच आप लोग भूया कर सकते हो काफ़ी इजीली। जैसे डायमंड पे हो आप लोग तो आराम से आप ग्रैंड मास्टर जा सकते हो काफ़ी इजीली। ऐसा आपको भाई करेक्टर कॉम्बिनेशन बता ले रहा हूँ जिससे आप लोग यूज़ करके भाई बता एकदम। तो वही वाला स्किल होने वाला है आज का बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन, जिससे आप लोग यूज़ करोगे भाई तो आप लोग खुद कमेंट करोगे कि क्या ही करेक्टर कॉम्बिनेशन बताया जाते चलते हैं। तो फर्स्ट में आपको यूज करना भाई एरिस करेक्टर, ठीक है। एरिस करेक्टर पता होगा जैसे अपडेट के बाद काफी पावरफुल यहाँ पर बना दिया गया है यार। जैसे पहले क्या होता था, इसके पहले यूज कोई नहीं करते थे, ठीक है, कोई नहीं करते थे, लेकिन अपडेट के बाद इसे पावरफुल बना दिया है, जिसके बाद इसे अपडेट के बाद सब कोई भाई सब बहुत सारे लोग इसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसकी इसकी स्किल क्या है तो यहाँ पर देखते हैं, इसकी स्किल में जाएंगे क्या इसका। देखिए पहले यहाँ पर इसका है ना 15 सेकंड यहाँ पर लिखा है, तो अपडेट के पहले क्या था, पहले यहाँ पर 10 सेकंड था, ठीक है, 10 सेकंड था, तो इसको बढ़ा के यहाँ पर 15 सेकंड यहाँ पास कर दिया गया, ठीक है। जैसे स्किल को आप लोग ऑन करते हो एक्टिव करेक्टर को, तो ये 10 सेकंड रहता था और पूरा इसका स्किल के पास खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अपडेट को इसे 15 सेकंड बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, मतलब 15 सेकंड बढ़ा दिया है। जब 5 मीटर था उसको 7 मिनट में बस कर दिया गया है। जैसे गुल्लर को आप लोग आर पार मारते हो ना, तो बंदा यहाँ रहता है नज़दीक में 7 मिनट अंदर रहता है, तो आप लोग आराम से बंदे को मार सकते हो, ठीक है। और फिर 5 गुल्लर के आर पार भी मार सकते हो आराम से काफ़ी इजिली यार। जैसे गुल्लर लगाते हैं 5 गुल्लर के आर पार आप लोग आसानी से मार सकते हो काफ़ी इजिली। तो आप लोग देख सकते हो लाइव प्रूफ यहाँ पर, देखिए एक बंदे नॉक किया, 2 बंदे नॉक, एक मतलब बंदा ने लगा ली वाल, स्किल को ऑन किया और मैंने स्किल ऑन किया, मैंने मारा गुल्लर के आर पार और यहाँ पर डैमेज मस्त पड़ रहा है अपडेट के बाद। तो हम आराम से मैंने इस मैच को भूया कर लिया काफ़ी इजीली गाइस, ठीक है। तो समझ गएंगे इस आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो एरिस करेक्टर को। और इसके लास्ट इसलिए है कि यार इसका कूल डाउन का एकदम घटा दिया गया है। पहले क्या था, अपडेट के पहले से 80 सेकंड था, लेकिन उसको घटा के यहाँ पर 60 सेकंड कर दिया गया है। इसलिए इस अपडेट के बाद इसे पावरफुल बना दिया काफ़ी ज़बरदस्त से, बहुत लोग इसे यूज़ करने वाले हैं गाइस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले करेक्टर स्किल की तरफ, जिससे आप लोग इसके अंदर कौन सा स्किल लगा सकते हो जिससे उतना एकदम पावरफुल बन जाएगा आपका हर मैच। जिससे आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोग जीतने का चांस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या यूज़ करना है, फर्स्ट स्किल में मारो करेक्टर को आप लोग यूज़ करना है, ठीक है। मारो करेक्टर पता होगा, जैसे आप जितना जोर से मारोगे उतना बंदे को ज़्यादा डैमेज देता है, ठीक है। तो आप लोग क्या यूज़ करना है, आपको फर्स्ट स्किल में आप यूज़ करना है मारो करेक्टर को, ठीक है। अगर मारो करेक्टर यूज़ करोगे ना गाइस, तो बता रहा हूँ मैं, जितना भी मारोगे बंदे को उतना उसको ज़्यादा डैमेज आएगा। जैसे इसके साथ इसको यूज़ करना है एरिस करेक्टर के साथ स्किल में आपको यूज़ करना है मारो करेक्टर को, ठीक है। जैसे आप लोग मारो करेक्टर यूज़ करोगे ना गाइस, तो बता रहा हूँ, जैसे आप लोग गन को डैमेज देते हो ना, जैसे 40 देता है डैमेज, 40-45 देता है, अगर आप लोग इसे यूज़ करोगे इस तो आपको गन का जो डैमेज है, देखो जैसे तो लाइव प्रूफ यहाँ पास M4 से मार रहा हूँ, देखो भाई 58 का यहाँ पर डैमेज दे रहा है। आप लोग देखते हो लाइव प्रूफ यहाँ पास जो भाई 40-45 डैमेज देता है वो 58 का हमें डैमेज दे रहा है, 58-53-45 ऐसा सा डैमेज दे रहा है। आप यहाँ पर लाइव प्रूफ यहाँ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पर दे रहा है गन यार, ठीक है ना। ये मारो करेक्टर कमाल है, ठीक है। अगर मारो करेक्टर यूज़ करोगे भाई तो बता रहा हूँ भाई एकदम डैमेज हाई हो जाता है। आप देख सकते हो लाइव प्रूफ भाई 58 के यहाँ पर डैमेज जा रहा है, अब लाइव प्रूफ में आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग यूज़ करना है मारो करेक्टर को, जैसे आप देख सकते हो डैमेज इंक्रीज डिसेंशन 25% यहाँ पास लिखा है, ठीक है। 25% आपको डैमेज डैमेज देगा, यहाँ पास 3.5% आपको डैमेज देगा इस हर बुलेट में, ठीक है। हर बुलेट आपको यहाँ पास इतना डैमेज देगा, तो लाइव प्रूफ आपको देखा ही होगा यार, तो इतना परसेंट देता है बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर डैमेज है मारो करेक्टर का, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको यूज़ करना है मारो करेक्टर को, अपडेट के बाद यहाँ पास मारो करेक्टर यूज़ करना है। तो आपको हर बता रहा हूँ वो लिख के दे रहा हूँ भाई, आपको हर मैच आराम से भूया कर सकते हो काफ़ी इजीली गाइस मारो करेक्टर के यूज़ करके गए, ठीक है। अब बात करते हैं आपको सेकंड स्किल में कौन सी स्किल यूज़ करना है। तो अपडेट के बाद आप जानते हो भाई लियोन करेक्टर को भी पावरफुल बना दिया गया ज़बरदस्त यार, जिससे आप लोग अभी बोलोगे भाई HP हमको मिलना भी चाहिए। तो आपको यूज़ करना है सेकंड में आपको यूज़ करना है मारो करेक्टर गाइस, ठीक है। जैसे आप लोग मारो करेक्टर यूज़ करोगे ना तो आप लोग HP में कमी नहीं होगा और यहाँ पास रेट ऑफ फायर मिलेगा और आप गोला के आर पर ही मार पाओगे और ज़रा डैमेज भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको सेकंड में क्या करना यूज़ करना है, आपको करना है लियोन करेक्टर का यूज़ करना है, जिसे अपडेट के बाद एकदम पावरफुल बना दिया गया है। अपडेट के पहले क्या होता था, यहाँ पर 30-60 HP लिखा है ना, अपडेट के पहले आपको ओनली 30 HP मिलता था गाइस, ठीक है। आपको पता होगा अपडेट के पहले आपको 30 HP मिलता था, लेकिन अपडेट के बाद यहाँ बढ़ा दिया गया है और उसको कर दिया जस्ट डबल गाइस, ठीक है। जस्ट डबल कर दिया, 60% कर दिया गया है, जिसे आप लोग यूज़ करके वही देख सकते हो लाइव प्रूफ यहाँ पर देखो डैमेज अंदर डैमेज दिया और यहाँ पर देखते हो उसने स्कलर मारा, स्कलर मारने में देखिए और डैमेज दिया गया, ठीक है। अब HP देख सकते हो यहाँ पास 84 HP हो गया, यहाँ पास अब देख सकते हो नीचे में मेरा HP एकदम बहुत कम हो गया है। और देखो यहाँ पास एक और बंदा आ जाता है, देखो HP मेरा ऑटोमेटिक बढ़ रहा है गाइस, ये 60 बढ़ेगा, ठीक है, 60 HP बढ़ेगा। देखो फिर से बंदा आ गया, देखो इसको मेरे देखो बढ़ गया, मैं 60 HP बढ़ गया और फिर से बंदा डैमेज दिया, देखो बंदा मेरे डैमेज दिया
और फिर से मेरा एचपी फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। जिससे आप लोग सीएस रैंक खेलते होंगे तो आप लोग भी एचपी कमी नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो तो यार एचपी यार फिर से एकदम भाड़ भाई बढ़ रहा है, एकदम स्पीड से बढ़ रहा है। तो आप लोग भाई लियोन कैरेक्टर यूज़ करना ना भूलेगा, आप लोग सेकेंड में लगाना है लियोन कैरेक्टर लगाना है। जिससे आप लोग यूज़ करोगे भाई तो बता रहा हूँ भाई, आप लोग हर मैच या बता रहा हूँ हर मैच आप लोग बोझा कर सकते हो सीएस रैंक में काफ़ी इजीली गई। तो आप लोग सेकंड में यूज़ करना है लियोन कैरेक्टर का, यूज़ करना है सेकंड स्किल पर गई, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड में आपको कौन से कैरेक्टर का यूज़ करना है लास्ट स्किल में। तो अब लास्ट स्किल में आपको यूज़ करना है लूना कैरेक्टर का, ठीक है। लूना कैरेक्टर को पता होगा नहीं पता होगा बताता हूँ, देखिए ये लूना कैरेक्टर। तो आपको लास्ट में इसका यूज़ करना है लूना कैरेक्टर को। बात करते हैं इसके स्किल के, तो स्किल में आप देख सकते हो अगर कोई से भी गन चलाते हो, ठीक है, कोई से भी गन चलाते हो तो उसका रेट ऑफ फायर यहाँ पास 8% यहाँ पर बढ़ा देता है, ठीक है। कोई से भी गन होते हो, चाहे शॉर्ट गन हो चुका यू एम पी हो गया, चाहे ए आर गन हो गया, कोई से भी गन हो यहाँ पास 8% यहाँ पर बढ़ाता है। और साथ साथ 15% यहाँ पास मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। जिससे आप लोग यूज़ करोगे नहीं तो बता रहा हूँ आप लोग मूवमेंट स्पीड मिलेगा, रेट ऑफ फायर मिलेगा और सभी चीज़ यहाँ पास मिलेगा। देखो यू एम पी से मार रहा हूँ, कितना स्पीड से यहाँ पास गोली निकल रहा है, देख सकते हो यहाँ पास कितना फास्ट निकल रहा है गोली, और बंदे को काफ़ी इजीली मैं मार रहा हूँ, ठीक है। देखो लास्ट बंदा यहाँ पर बचा है, देखो इतना फास्ट निकल रहा है गोली, देखो कितना फास्ट निकल, बंदे को पता भी नहीं चला गई। और ये मैच मैंने काफ़ी आसानी के साथ यहाँ से भुया कर लिया। तो आपको लास्ट में यूज़ करना है कि लूना कैरेक्टर गई, ठीक है। आपको अपडेट के बाद लूना कैरेक्टर यूज़ करना है। जिससे आप लोग यूज़ करोगे ना तो आप लोग हर मैच यार हर मैच शेष रैंक हो या फिर बड़े रैंक हो, ठीक है, बड़े रैंक हो आप लोग आराम से यार इस रैंक को यूज़ करोगे कैरेक्टर को, तो आप लोग आराम से हर मैच भुया कर सकते हो काफ़ी ईजिली गई, ठीक है। आप लोग समझ गए ना कौन कौन से यूज़ करना है। आपको फर्स्ट में यूज़ करना है एरिस कैरेक्टर को, ठीक है, एरिस कैरेक्टर को। बात करते हैं स्किल में आपको फर्स्ट में क्या लगाना है। आपको फर्स्ट में पास लगाना है मारो कैरेक्टर गई, ठीक है, मारो कैरेक्टर को फर्स्ट में लगाना है। सेकंड में बात करते हैं कौन सा लगाना है, देखिए ये है मारो कैरेक्टर, इसको फर्स्ट में आपको लगाना है। अब बात करते हैं सेकंड स्किल में क्यों यूज़ करना है। सेकंड में आपको यूज़ करना है लूना कैरेक्टर गई, ठीक है, सेकंड स्किल में आपको यूज़ करना है लूना कैरेक्टर को। और लास्ट में आपको यूज़ करना है यहाँ पास लियोन कैरेक्टर गई, ठीक है। देखते हो लास्ट में आपको क्या करना है, लियोन कैरेक्टर यूज़ करना है। जिससे आप तीनों यूज़ करोगे भाई तो आप लोग बता रहा हूँ भाई आप लोग हर मैच काफ़ी इजीली यार काफ़ी इजीली आप लोग भुया कर सकते हो। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई तो आप लोग को ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, ठीक है। तो जो वीडियो नहीं आ रही है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो मेरे कमेंट करके जरूर बताना गाइस तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, आप लोग कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस।